हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो एप्सन इंक टैंक प्रिंटर के मुतल्लिक है। इसका मॉडल नंबर है L3150 एंड आप देख सकते हैं कि इसकी दो लाइटें ब्लिंक कर रही हैं, पेपर लाइट और इंक लाइट। अगर मैं अपने कंप्यूटर पर जाकर इसका स्टेटस चेक करूँ तो ये क्या मैसेज आ रहा है, लाइक अगर मैं प्रिंटर प्रेफरेंसेस पर जाऊँ और मेंटेनेंस, या जैसे ही अगर आप प्रिंट कमांड देंगे तो तब भी ये मैसेज आ जाएगा। इसका जो मैसेज आ रहा है, द प्रिंटर्स इंक पैड इज़ एट द एंड ऑफ इट्स सर्विस लाइफ। तो आज हम ये फिक्स करेंगे, ये जो एरर आ रहा है इसको रिजॉल्व करेंगे। पहले मैं ये बता दूँ, इसके पीछे इसका इंक पैड होता है वो फुल हो गया है, वो 10 से 15 हज़ार कॉपीज़ के बाद वो ऑटोमेटिकली फुल हो जाता है। तो उसके अंदर एक मेमोरी चिप है, तो हम उसको रीसेट करेंगे आज। जो इसका जो इंक पैड है वो भी फुल है, उसको तो हम चेंज नहीं करेंगे। अगर आपके पास नया अवेलेबल है चेंज कर देना, लेकिन उसकी जो चिप है उसको हम रीसेट करेंगे इसके सॉफ्टवेयर से। उसके दो तरीके हैं। पहले मैं एक यूटिलिटी ओपन करता हूँ, उसका नाम है विक रीसेट यूटिलिटी। ये विक रीसेट यूटिलिटी, इससे आप इसका जो रीड करेंगे, पहले रीड वेस्ट काउंटर, तो ये आपको बता रहा है कि 100% दिस काउंटर हैज़ रीच इट्स लिमिट एंड नीड टू बी रीसेट। तो ये 100% फुल है, इसको हम इधर से भी रीसेट कर सकते हैं, रीसेट वेस्ट काउंटर्स। लेकिन जब हम इधर रीसेट पे करेंगे तो ये की मांग रहा है, तो इसकी की मेरे ख्याल 11 या 12 यूरो की है। लेकिन अगर इसको आपने 20% तक रीसेट करना है तो आप इधर लिख सकते हैं TRIAL ट्रायल और ओके करेंगे तो ये 20% तक इसको रीसेट कर देगा। चलें हम सबसे पहले इसको 20% तक रीसेट करते हैं, उसके बाद ये देखें, वो कह रहा है कि ट्रायल की विल बी प्रिंटर्स काउंटर टू 80%, यानी कि 80% तक ये रहेगा, 20% तक वो उसको रीसेट कर देगा। उसके बाद हम मैं आपको बताऊंगा कि इसको 100% कैसे रीसेट करना है। पहले 20% करते हैं, मैंने इसको यस कर दिया। अभी वो कह रहा है प्लीज़ टर्न द प्रिंटर ऑफ नाउ, मैं इसकी पावर ऑफ़ करता हूँ, ये पावर मैंने ऑफ़ कर दी है। अभी भी मैं पावर दोबारा लगाता हूँ और इसको ऑन करते हैं, तो आप देखेंगे इसके ऊपर अभी ये कोई लाइट नहीं आ रही। ठीक है, ये 20% रीसेट हो गया, 80% तक अभी फुल है। ठीक है, तो इसके साथ हम दोबारा अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आते हैं और हम इसको 100% रीसेट करते हैं। तो उसके लिए मेरे पास है इसका एडजस्टमेंट प्रोग्राम, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, प्रिंटर्स डाटा, उसमें ये है। मेरे पास इसके काफ़ी प्रिंटर्स के एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स पड़े हैं, तो हमें चाहिए L3150 का। ये है मेरे पास L3150, मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ। इसका पासवर्ड है EPSON एप्सन स्पेस L3150। उसके बाद ओके करें, ये एक्सट्रैक्ट कर दिया है इसने। ठीक है जी, ये ऊपर आ गया, ये एक्सट्रैक्ट हुआ है। अभी एंटर करें, इसके अंदर जाएं। सबसे पहली वाली फ़ायदा है एंटी वायरस को डिसेबल कर लें, अगर आपका एंटी वायरस चल रहा है तो उसको डिसेबल कर लें, समटाइम एंटी वायरस खा जाता है उसको। अर्न एडमिनिस्ट्रेटर, रियलिटी रन हो रही है अगर इस कंप्यूटर में, नहीं वो देखें एंटी वायरस मेरा चल रहा था, मैं आपको कह रहा हूँ एंटी वायरस डिसेबल कर लें, मेरा अपना ही एंटी वायरस उसे खा गया। चले मैं उसको रियल टाइम प्रोटेक्शन रोकता हूँ, मेरे पास में कैफे है इस टाइम, मैं इसको रोक लेता हूँ 2 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए रोकते हैं इसको। आपके पास जो भी एंटीवायरस है उसको डिसेबल कर लीजिएगा यहाँ से। मैं अपने एंटीवायरस की रियल टाइम स्कैनिंग 15 मिनट के लिए ऑफ करता हूँ। ठीक है, उसके बाद वापस जाके उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये मैंने बताया था, अभी इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करें, वापस पासवर्ड डालें EPSON L3150। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो गया। वापस जाए फोल्डर के अंदर, दोबारा वो बड़ी फाइल रन करें, लेकिन फाइल रन होती है कि नहीं। मैंने एंटर किया, लेट्स सी, नहीं हुई तो मुझे दूसरा लैपटॉप यूज़ करना पड़ेगा। जी दोस्तों, मैं अभी दूसरे कंप्यूटर पे आया हूँ, तो इस पर वही वाली फाइल है, इसको मैं रन करता हूँ। ये अरबिक इंटरफेस है, तो इसलिए आप वरी ना करें।
ये वाली फ़ाइल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका कीजन भी है इधर, अगर आपसे वो रजिस्ट्रेशन मांगे, होपफुली कि इसको रजिस्ट्रेशन नहीं मांगनी चाहिए, अगर मांगे तो ये इसका कीजन है इधर। तो खैर नहीं हो, ये एडजस्टमेंट प्रोग्राम रन हो चुका है, मैं इसको सेलेक्ट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से हम अपने प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे और कौन से मॉडल हैं इस प्रोग्राम में। ये मॉडल नेम्स में जाके इसमें चार मॉडल आ रहे हैं, 3100, 3101, 3110 और 3150। हमारा मॉडल 3150 है, तो हम 3150 सेलेक्ट करेंगे इधर से। बाकी सारी चीज़ें ऐसी रहने दें, ओके पर क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद इसमें ऑप्शंस आ रही हैं, सीक्वेंशियल एडजस्टमेंट मोड, पर्टिकुलर एडजस्टमेंट मोड। आप इसको पर्टिकुलर एडजस्टमेंट मोड पर क्लिक करें और उसके बाद ये काफ़ी सारी ऑप्शंस आ रही हैं इसमें। आपने जाना है वेस्ट इंक पैड काउंटर, इसको सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो इसमें ये ऑप्शंस आ गई हैं, पहले हम इसको दोनों को क्लिक करके चेक करेंगे कि कितने परसेंट फुल है। मैंने चेक पे क्लिक किया है, ये चेक करने के बाद देखें ये दोनों 80% फुल दिखा रहा है, ठीक है। हम इसको 0% करेंगे रीसेट दोनों को सेलेक्ट करके, और आपने नीचे क्लिक करना है इनिशियलाइज पे। इनिशियलाइज पे क्लिक करने के बाद मैसेज आ रहा है व्हेन दी ओके बटन इज क्लिक काउंटर विल बी इनिशियलाइज्ड, फिर इसको ओके करें। अब ये फिर कह रहा है प्लीज़ टर्न ऑफ द प्रिंटर, मैं इसकी पावर ऑफ करता हूँ प्रिंटर की, ओके। अभी मैं ऑफ़ कर दिया, इसको ओके करता हूँ, फिर ओके करता हूँ, तो दोबारा पावर लगाता हूँ, ऑन करते हैं इसको, ऑन हो गया। तो दोबारा सेलेक्ट करके चेक करते हैं कि कितने परसेंट बाकी है, इसको 0% होना चाहिए। ये देखें चेक करने के बाद 0% है, 0% तक हमने इसका जो इंक्यूबेटर है वो रीसेट कर दिया है, ठीक है गाइस। दो तरीके मैंने बता दिए आपको, एक तो विक रीसेट यूटिलिटी है और दूसरी ये वाला एडजस्टमेंट प्रोग्राम है। ये एडजस्टमेंट प्रोग्राम मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो की, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका पासवर्ड है EPSON L3150। ओके, उम्मीद करता हूँ आप पूरा तरीका समझ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस प्रिंटर के मतलब आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया देखने का, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।